आज हम आपको एक खुशखबरी बताने जा रहे हैं और एक खुशखबरी आपकी जॉब को लेकर है। इसकी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। दरअसल मध्य प्रदेश में हो रही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स आने वाले समय में वरदान साबित होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री समिट और विभिन्न शहरों में आयोजित निवेश अवसरों के इंटरैक्टिव सत्रों के जरिए 2,45,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में 3 लाख से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है। ये आंकड़े यह बताने के लिए काफी है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदर्शी नीतियों और सशक्त नेतृत्व से मध्य प्रदेश अब निवेशकों के लिए आकर्षक प्रदेश बन गया है। आपको बता दें कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत उज्जैन से हुई थी। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में निवेश के अवसर पैदा करना और उद्योगों को बढ़ावा देना है। सुनिए क्या कहते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और खुलकर के प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए प्रोत्साहन दिया है कि हमको हमारे निवेशकों को निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाए। और ये बात भी सही है कि इसी बात को लेकर के हमारी सरकार बनी, तब भी हमने इसी तरह से मेहनत की कि आखिरकार हम अपने बाकी निर्माण के अधोसंरचनाओं के इन सारे कामों को तो करेंगे करते हैं, लेकिन इसके बाद में भी जो जहां जरूरत है वैसे नीडी क्षेत्र में हमारी दृष्टि जाए और उनकी कठिनाइयों को निवारण करते हुए उसमें हम ताकत दें। और यही कारण है कि लगातार मैं एक के बाद एक ये जो रीजनल समिट कर रहा हूँ, उस रीजनल समिट में भी एमएसएमई है, हेवी इंडस्ट्री है, वो अपनी जगह है, लेकिन आपकी फूड इंडस्ट्रियों को भी लगातार प्रमोट कर रहे हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रियां, इनके लिए ज्यादा जरूरत है। उज्जैन के बाद जबलपुर, ग्वालियर और सागर में आयोजित हुई इन समिट्स के पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ रहे हैं। इन समिट्स के साथ साथ मुंबई, कोयंबटूर, बेंगलुरु और कोलकाता में हुए निवेश अवसरों पर इंटरैक्टिव सत्र के उद्योग जगत के लिए एक सशक्त मंच तैयार किया है। इन सत्रों के माध्यम से उद्योगों के विकास के लिए व्यापक सहयोग मिला है, जो आने वाले समय में राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। अगले कुछ महीनों में पुणे, अहमदाबाद और दिल्ली में इन्वेस्ट MPGIS का आयोजन किया जाएगा, जिससे और अधिक निवेश आकर्षित किए जा सकेंगे।